हेलो एवरीवन, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से पोम 2 द लबर्नम टॉप के एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज। हु इज द पोएट ऑफ द लबर्नम टॉप? द लबर्नम टॉप के पोएट कौन है? टेड हग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लबर्नम ट्री? लबर्नम ट्री के टॉप को पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है? स्टिल एंड साइलेंट। जो वो पेड़ है वो कैसा है? बिल्कुल उसका टॉप स्टिल स्थिर है और बिल्कुल शांत है। व्हाट हैपन्स टू द लीव्स ऑफ द लबर्नम ट्री? लबर्नम ट्री के साथ की लीव्स के साथ क्या हुआ है? टर्न येल्लो, वो सारी लीव्स येल्लो हो गई हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जिसको प्रेस करके आप पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, जिससे आपके ये सारे एमसीक्यूज बहुत ही इजी हो जाएंगे। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज टू द लाइन? इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली। इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ है? इसमें मेटाफर का यूज़ है। मेटाफर में क्या होता है? कंपैरिजन किया गया होता है, लेकिन कंपैरिजन वर्ड एज सो या लाइक का यूज नहीं होता। चैप्टर की सारी पोएटिक डिवाइसेस इसी प्लेलिस्ट में गिवन है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ इंजन का कंपैरिजन बर्ड के नेस्ट के साथ किया गया है, इसीलिए यहाँ मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज़ है। व्हेन डिड द लबर्नम ट्री बिकम अलाइव? जो लबर्नम ट्री है फिर से दोबारा अलाइव कब हो जाता है? बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। क्योंकि ये जो लबर्नम ट्री है, अमलताज का पेड़ है, ये बिल्कुल शांत होता है, लेकिन जब उसके ऊपर गोल्डफिंच बर्ड आके बैठती है, सोन चिड़ी आके बैठती है, तो वो फिर से अलाइव हो जाता है, जिंदा सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड कम फॉरवर्ड द ट्री? जो गोल्डफिंच बर्ड है वो ट्री पे आके क्यों बैठती है? टू फीड हर यंग वंस। क्योंकि वहाँ नेस्ट है उसका और उसमें उसके बच्चे हैं, उनको फीड कराने उस पेड़ पे वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वर्ड यूज इन द पोएम इज इन एन इंस्टेंस ऑफ एनोमेटोपिया? एनोमेटोपिया कौन से वर्ड में है? एनोमेटोपिया क्या होता है? वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें कोई भी साउंड वर्ड का यूज किया जाता है। चिटरिंग इज अ एनोमेट। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिंच बर्ड? गोल्डफिंच बर्ड के लिए ट्री कौन सा रोल प्ले करता है? अ शेल्टर उसको शरण देता है, जिसमें उसने अपना घोंसला बना रखा है और अपने बच्चों को वहाँ फीड कराने आती है। तो अ शेल्टर इज अ करेक्ट आंसर। हाउ डिड द बर्ड एंटर द नेक्स्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द ब्रांच? तो वो ब्रांच में किस तरह से एंटर करती है जो बर्ड है? लाइक ए लिजर्ड, एक छिपकली की तरह से बहुत ही स्लीक स्मूथ एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइम ऑफ द डे डज द पोएम टॉक ऑफ? कौन सा दिन का कौन सा समय है? आफ्टरनून का समय है, जब ये बात बताई गई है कि वो सोन चिड़ी आती है और ट्री में एंटर करती है ब्रांच में, तो उस समय क्या टाइम है? आफ्टरनून का समय है। हाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंड आफ्टर द बर्ड फेड हर यंग वंस? जब वो अपने यंग वंस को, अपने बेबीज को खाना खिला देती है, तो उसके बाद क्या करती है? फ्ल्यू अवे, वहाँ से चली जाती है। व्हाई वाज द गोल्डफिंच बर्ड बेयरली विजिबल? वो उस बहुत ही कम क्यों दिखाई देती है? बिकॉज ऑफ हर कलर, क्योंकि उसका कलर भी येलो है और ट्री भी येलो है, ट्री की लीव्स भी येलो हैं और उसके फैदर्स येलो हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही कम विजिबल होती है। वेयर डिड द बर्ड वैनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस? जब वो उनको खाना खिला देती है तो कहाँ जाती है? इन टू द स्काई, स्काई में चली जाती है, उड़ जाती है। व्हाट हैपन टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोम? पोम के एंड में क्या होता है? इट्स फ्लू अवे, वो उड़ के चली जाती है। कहाँ चली जाती है? स्काई में। हाउ वॉज द ट्री इन द एंड वैन द बर्ड फ्लू अवे? तो जब वो चली जाती है तो ट्री को क्या होता है? फिर ट्री कैसा हो जाता है? इट वॉज डेथ लाइक अगेन। पहले वो डेथ लाइक था, ट्री आई, वो बर्ड आई, तो फिर से वो उसमें जान आ गई, चहचहाने की आवाज़, मूवमेंट आने लगा, लेकिन जब बर्ड चली जाती है फिर से वो डेथ लाइक हो जाता है। व्हाट इंस्टेंस ऑफ द एलिट्रेशन हैज़ बीन यूज इन द पोम? इसमें कौन सा एलिट्रेशन यूज है? द लबर्नम टॉप आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। सेप्टेम्बर सनलाइट। स्टूडेंट, सेप्टेम्बर सनलाइट में एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस कहाँ यूज होती है? जहाँ पर दो वर्ड आते हैं और उसके बिगनिंग लेटर कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है, और उसके बीच में कोई वर्ड नहीं होता, इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो सेप्टेम्बर सनलाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज इन द लाइन डन स्लीक एज ए लिजर्ड?
तो स्लीक एज ए लिजर्ड, मतलब लिजर्ड का कंपैरिजन किसके साथ किया गया, बर्ड के साथ लिजर्ड का कंपैरिजन किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे सिमिली पोएटिक डिवाइस है और इसमें एज का यूज है। तो सिमिली पोएटिक डिवाइस वो होती है जिसमें दो का कंपैरिजन होता है और लाइक सो या एज वर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ पे एज है और कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पे सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। जो उसका फेस पे, बार्ड फेस पे मतलब उसके फेस पे एक ब्लैक कलर का मास्क होता है जिसकी वजह से हम उसको पहचानते हैं, तो वो उसका मीन क्या है। द बर्ड वॉज येल्लो इन कलर विद द मर्ज इन फ्लावर। तो बर्ड का कलर, उसके फैदर्स का कलर क्या है, येल्लो है, और वो फ्लावर्स के साथ बिल्कुल मर्ज हो गई है, मतलब मिक्स हो गई है। द ब्लैक मार्क्स ऑन द बर्ड फेस मेक विजिबल। ट्री के लीव्स येलो हैं, बर्ड के फैदर्स येलो हैं, लेकिन जो बर्ड के फेस पे मास्क है ब्लैक कलर का, उसकी वजह से हम उसकी आइडेंटिटी कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द डिस्क्राइब बाय द वर्ड स्लीक इन द पोम। पोम में स्लीक वर्ड का डिस्क्रिप्शन किसके साथ किया गया है, लीजर्ड के साथ। तो लीजर्ड जैसी स्लीक होती है वैसे ही बर्ड भी है, तो स्लीक किसके लिए आया, लिजर्ड के लिए। व्हाट इज द डोमिनेंट कलर इन द पोम। तो पोम का, पूरी पोम का डोमिनेंट कलर क्या है, येलो है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 24 अबाउट विच वर्ड पोएट टॉकिंग इन द पोम द लबर्नम टॉप। लबर्नम टॉप पोम में कौन सी बर्ड के बारे में पोएट ने बात करी है, गोल्डफिंच बर्ड। व्हाट इट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोम। इस पोम में इंजन किसे कहा गया है, जिस प्रकार किसी मशीन को चलने के लिए इंजन की नीड होती है, तो उसी प्रकार इस पोम में बर्ड के जो बेबीज हैं उनको किसकी नीड है, गोल्डफिंच बर्ड की। तो इंजन किसे कहा गया है, गोल्डफिंच बर्ड को इंजन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द लीव्स ऑफ द लबर्नम ट्री येलो। लबर्नम के पेड़ की ट्रीज येलो क्यों हो गई हैं, बिकॉज ऑफ द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर मंथ की बात की गई है, करेक्ट है, बिकॉज ऑफ ऑटम सीजन, सितंबर में ऑटम सीजन होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। न्यू लीव्स ग्रोइंग, नई पत्तियां आ रही हैं, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ वॉज गोल्डफिंच बॉडी विजिबल। गोल्डफिंच बर्ड की बॉडी कैसी दिखाई दे रही है, ड्यू टू इट्स ब्लैक आइडेंटिटी मास्क। वैसे तो उसकी बॉडी नजर ही नहीं आएगी क्योंकि पूरे ट्री की लीव्स येलो है, लेकिन वो जो उसके फेस पे मास्क है उसकी वजह से हमें बॉडी उसकी विजिबल है। व्हाट इज लबर्नम ट्री कॉल्ड इन हिंदी। हिंदी में लबर्नम ट्री को क्या कहा जाता है, अमलताश का पेड़। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द बर्ड। क्या करती है लास्ट में जब पोम खत्म हो जाती है, शी फ्लू अवे लिविंग द डेथ लाइक अगेन। तो दोबारा से पेड़ को डेथ लाइक छोड़ के वो उड़ जाती है, उसके उड़ने से पेड़ कैसा हो जाता है, डेथ लाइक हो जाता है। जब गोल्डफिंच बर्ड लबर्नम ट्री पे आके बैठी थी तो लबर्नम ट्री बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके आने से कैसा, उसमें मूवमेंट आ गए थे, लेकिन जब वो फिर से लास्ट में उड़ जाती है तो फिर से वो डेथ लाइक हो जाता है, उसके सारे मूवमेंट खत्म हो जाते हैं। मूवमेंट कैसे होते हैं, क्योंकि जो बर्ड के बेबी होते हैं उसमें नेस्ट के अंदर उसके जो बेबीज होते हैं, बर्ड के चिक्स होते हैं, तो वो फड़फड़ाने लगते हैं अपने पंख और चूचहाने लगते हैं, जिसकी वजह से ट्री में मूवमेंट आ जाता है। पर जब वो उड़ जाती है बर्ड लास्ट में, तो बर्ड फिर से डेथ लाइक हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साउंड वर्ड यूज इन द पोम लबर्नम टॉप। लबर्नम टॉप में साउंड वर्ड कौन कौन से यूज हैं, ट्रिलिंग यूज है, यस है, चिटरिंग है, हाँ, विसल चिरप साउंड वर्ड है, यस, ऑल है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। वो दूसरी साइड पे जाकर क्यों बैठती है, लाइक कैसे बैठती है, जाके किस प्रकार से दूसरी ब्रांच पे जाके बैठती है, तो लाइक ए लीजर्ड, लीजर्ड की तरह बिल्कुल ही स्मूथली वहाँ पे दूसरी ब्रांच पे जाके बैठ जाती है। व्हाट इंटेंस ऑफ द एलिट्रेशन हैज बीन यूज इन द पोम आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इन ऑप्शंस में एलिट्रेशन कहाँ आया है, ट्री ट्रेम्बल्स में भी है एलिट्रेशन, सेप्टेम्बर सनलाइट में भी एलिट्रेशन है, तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द पोम लबर्नम टॉप बिलोंग्स टू। किससे बिलोंग करता है,
अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज, एक छोटा पेड़ है लैबेंडम ट्री और जिसकी जो ब्रांचेज हैं वो थोड़ी सी लटकी हुई सी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ वाज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर में वो कैसा होता है ट्री, साइलेंट होता है यस, स्टिल एंड क्वाइट भी होता है यस, तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव, वो डेथ लाइक ट्री जो होता है किस कैसे जिंदा हो जाता है, कब हो जाता है, बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, आके जब उसके ट्री पे बैठती है तो जो ट्री है वो जीवित की तरह हो जाता है। वेयर इज द नेस्ट ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, गोल्डफिंच बर्ड का नेस्ट कहाँ पर है, ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, तो ब्रांच के थिकनेस में जहाँ पे बहुत घनी टहनियाँ होती हैं वहाँ पर उसका नेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड आफ्टर शी फेड हर यंग वंस, अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद वो क्या करती है, उसके बाद क्या होता है, शी फ्लू अवे टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। अब इसमें दो ऑप्शन है, शी फ्लू अवे या शी फ्लू अवे अदर साइड, तो पहले वो आती है उनको खाना खिलाती है उसके बाद दूसरी ब्रांच पे बैठती है, लास्ट में उड़ती है, तो यहाँ क्वेश्चन आंसर कौन सा करेक्ट होगा, शी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच विल बी द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, दो ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, शी फ्लू अवे और शी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। तो जो बर्ड होती है वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है, खाना खिलाने के बाद दूसरी ब्रांच पर बैठती है और लास्ट में उड़ती है। अगर होगा कि इंड में क्या होता है, तो इंड में तो वो फ्लू अवे इन द स्काई वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है व्हाट हैपन आफ्टर शी फेड हर यंग वंस, बच्चों को खाना खिलाने के बाद बर्ड क्या करती है, तो शी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, दूसरी ब्रांच पे जाकर बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रांसफर्ड एपिथेट वॉज यूज इन द पोम द लैबर्नम टॉट, लैबर्नम टॉट में एपिथेट पोएटिक डिवाइस कहाँ यूज है, हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, इस लाइन में पोएटिक डिवाइस एपिथेट का यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोम, अब एंड ऑफ द पोम एंड में क्या हुआ था, शी फ्लू अवे, अब यहाँ करेक्ट होगा क्योंकि लास्ट में वह उड़ गई थी। तो बेबी को खाना खिलाने के बाद क्या किया था, दूसरी ब्रांच पे बैठी थी, लास्ट में क्या किया था, वो फ्लू अवे इन द स्काई, उड़ गई थी आसमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, यहाँ कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज है, तो यहाँ एलिट्रेशन है स्टूडेंट्स, एलिट्रेशन जहाँ बिगनिंग ऑफ द वर्ड में कंसोनेंट बार बार, सेम कंसोनेंट बार बार रिपीट होता है, वहाँ एलिट्रेशन आता है, तो यहाँ आ साउंड बार बार यूज होने की वजह से एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट, विच पोएटिक डिवाइस इन सडननेस स्टार्टलमेंट में भी एलिट्रेशन है क्योंकि एस साउंड यूज हो रही है बिगनिंग ऑफ द वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिट्स आउट की मीनिंग क्या है पोम में, लीड्स ऑन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरी की मीनिंग होती है, स्ट्रेंज भी होती है और वर्ड भी होती है, तो यानी कि बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनाइट इन द पोम, इन्फिनाइट में बर्ड उड़ के जब चली जाती है यानी कि स्काई। तो लास्ट क्वेश्चन इज, द लैबर्नम सबसाइड्स टू एम्पटी की मीनिंग क्या है पोम में, तो लैबर्नम फिर से एम्पटी रह जाता है यानी कि साइलेंट हो जाता है, इस लाइन की मीनिंग क्या है, गोल्डफिंच बर्ड फ्लू इन द स्काई, क्योंकि जब गोल्डफिंच बर्ड उड़ जाती है तो वो दोबारा से लैबर्नम ट्री जो है वो एम्पटी यानी कि बिल्कुल साइलेंट और स्टिल हो जाता है। स्टूडेंट्स यहीं पे हमारे लैबर्नम टॉक के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।